Hello everyone and assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Artist World. If you are new to my channel and want to attend previous classes, visit the description box and don't forget to subscribe it for more creative ideas. Aur saath mein bell icon ko press karna bilkul mat bhuliyega. Isse ye hoga ki next class ka notification aapko fauran se mil jayega. आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की क्लास में मैं फीमेल स्केच ड्रा करने के बाद फिनिश लुक दूंगी वाटर पेंटिंग के साथ. सो डोंट मिस इट. आज की क्लास का काम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और सर्कल की हाफ़ मेजरमेंट का हाफ सर्कल नीचे ड्रॉ कर लेना है. फुल सर्कल ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन लगा के साइडों से मिलाना शुरू कर देना है. अब उसके बाद पूरी मेजरमेंट को हाफ़ करना है. पूरी मेजरमेंट को हाफ़ कर लेने के बाद नीचे वाले पोर्शन को हाफ़ अगेन कर देना है. जब नीचे वाले पोर्शन का हाफ़ होगा तो उसे हाफ़ अगेन कर देना है. ऊपर वाले पोर्शन को भी फिर से हाफ़ कर देना है. ये तमाम पार्टीशंस हैं फीचर्स की. इसे डिटेल में मैंने शेयर किया है डे 17 में. अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो डे 17 में भी ले सकते हैं. अब आईब्रो के लिए मैंने लाइन्स को तिरछा कर दिया है आईज़ के ऊपर वाले पोर्शन पर. डे 17 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं. ये फेस का साइड पोज है. साइड पोज नहीं, थोड़ा तिरछा है, इसलिए मैं इसे सेंटर से कर्वी लाइन ड्रा कर रही हूँ. जो पहले पोर्ट्रेट ड्रा किया था वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस का था. फेस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आईज़ की डायरेक्शन को ड्रॉ करना है. और ट्रायंगल वाला मेथड अप्लाई करते हुए नोज़ की सिचुएशन रखनी है. नोज़ के एक्यूरेट एक्सप्रेशंस तो बाद में सेट किए जाते हैं, ये जस्ट नोज़ को फिल करने के लिए रखा जाता है. लिप्स के लिए भी ट्रायंगल वाला मेथड अप्लाई करते हुए एक फेवरेबल डिस्टेंस छोड़ने के बाद लिप्स को ड्रा करना शुरू करना है. सेंटर से एक वेव ड्रा करने के बाद लिप्स की गाइडलाइन ड्रा कर लेने के बाद इसे बाद में शेप किया जा सकता है. और इसी तरह फेस बोन को भी एक बार हाईलाइट कर लेने के बाद पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा किया जा सकता है.
हेयर्स की बेस बना लेनी है, उसके बाद गाइडलाइंस को रिमूव कर दूंगी। बेसिक फीचर्स ड्रॉ कर लेने के बाद लेड पेंसिल से पूरे फेस को फिल किया जाता है। उसके बाद ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने का स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है तो ब्लेंड करना ज़रूरी है, और ब्लेंडिंग करते वक्त डार्क हो जाए तो घबराइए मत। जितना डार्क होगा उतने ही फेस के फीचर्स आसानी से ड्रॉ हो जाएंगे, और डार्क करना ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि डार्क करने से फीचर्स को लाइट करके मैनेज किया जा सकता है, और अगर लाइट होंगे तो उन्हें मज़ीद लाइट नहीं किया जा सकता, बाद में डार्क नहीं होगा। Thank you.
जिन लोगों की नोज़ शार्प होती है उन लोगों के लिए स्कल्पिंग का स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। फीमेल के पोर्ट्रेट में कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इरेज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉफ्ट इरेज़र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और टिश्यू पेपर से भी इसे बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ इरेज़र ही मेरे लिए 3-in-1 है, कंटूरिंग, हाइलाइटिंग और स्कल्पिंग में इरेज़र से ही कर रही हूँ। ये स्टेप हर पोर्ट्रेट का इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें एक्यूरेट फेशियल एक्सप्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं। इसी स्टेप की मदद से हम पोर्ट्रेट के स्माइली एक्सप्रेशंस, सैड एक्सप्रेशंस शो करवा सकते हैं। पोर्ट्रेट ड्रा करना झटपट का काम नहीं है, ये बहुत पेशेंस का काम है। मुझे इस पोर्ट्रेट को क्रिएट करने में 1.5 आवर लगा है और इतनी प्रैक्टिस होने के बाद आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ इसे स्पीडी करके। आप लोग इतने स्पीडी हाथ मत चलाइएगा।
जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत फील हो रही है रीफिलिंग की, मैं वहाँ वहाँ दोबारा से फिल करती जा रही हूँ। टिश्यू पेपर को उंगली पर लपेट कर इस्तेमाल करिएगा और इसको चेंज करते रहिएगा, क्योंकि डार्क पार्ट ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ब्लेंड करना छोड़ देता है। अब टिश्यू पेपर की मदद से मैंने पूरे फेस को बैलेंस कर लिया है।
हेयर्स डालने के लिए हेयर्स की बेस को प्राइम मैंने पहले कर लिया था और ब्लेंड भी कर लिया था। अब दोबारा लेड पेंसिल से थोड़ा डार्क लाइंस को क्रिएट करेंगे। और हेयर्स की ड्राइंग मैंने एक अलहदा से वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने डिटेल्स के साथ हेयर्स को ड्रा करना सिखाया, फीमेल्स हेयर के डिफरेंट स्टाइल्स शेयर किए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ मैं डिटेल्स शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप अगर डिटेल्स में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास को अटेंड कर लें। लेकिन चंद बेसिक चीज़ें मैं शेयर कर दूं कि हेयर्स को एक ही डायरेक्शन पे नहीं ड्रॉ करना, डिफरेंट पोर्शंस में ड्रॉ करना है। After a lot of steps and patience, you can see a stunning eyes and clear hairs. I'm really happy to share my God-gifted knowledge with you people. If you like this effort, give thumbs up. This is necessary for my appreciation. In this class, we are finally moving toward the one of new step of water painting colors. And in other classes, I will share water painting ideas and a lot of paintings with different paints.
इससे पहले कि आप इसे देखकर डर जाएं, मैं इसे थोड़ा देखने के काबिल बना दूं। ये था आज का टारगेट। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। और आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं ये पोर्ट्रेट कैसा बना है। और लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।